बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आज मैं कानून शहादत आर्डर आर्टिकल नंबर 3 के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर 3 का क्या मकसद है। हु मे टेस्टिफाई द विटनेसेस, इसका ये मकसद है। सबसे पहले ये स्टेटमेंट होता है ऑल कॉम्पिटेंट विटनेस, जो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है वो गवाही दे सकता है। सबसे पहले ये कंडीशन है। इसमें दूसरी ये एक्सेप्शनल है कि जो मेंटली डिसऑर्डर है, जो बीमार है, जो ओल्ड एज है, वो जो है ना गवाही नहीं दे सकते। ये ही इज़ नॉट एबल टू विटनेस। इसमें तीसरी कंडीशन ये है कि जो अदालत के सामने, यानी कि 3-4 केसेस में उसने गवाही दिया है अदालत में, अदालत ने उसको झूठा करार दिया है कि वो गवाही नहीं दे सकते। फोर्थ कंडीशन ये है कि वो गवाही दे सकता है जबकि अदालत को सेटिस्फाई करे, अदालत उसको उस पे सेटिस्फाई हो, तो फिर वही बंदा गवाही दे सकता है। ये आर्टिकल नंबर कानून शहादत आर्डर का 3 है।